नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोर टेस्टी फूड पर। अक्सर होता क्या है कि हम सब जब पनीर बनाने के लिए चलते हैं तो देखते हैं कि दूध कम है, तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे हम आधा लीटर दूध और एक सीक्रेट सामग्री का यूज कर बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनाकर घर पर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर बनाने के लिए ये आधा लीटर दूध लिया है और एक कप मिल्क पाउडर लिया है और दो चम्मच विनेगर लिया है। इसकी जगह हम नींबू का जूस भी ले सकते हैं। तो पैकेट से निकालकर भगोने में डाल दिया है। अब इसमें हम ये एक कप मिल्क पाउडर है इसे डालेंगे और मिक्स करेंगे। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया, ये मेरा होममेड मिल्क पाउडर है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से ही डली हुई है। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब इसमें हम चार कप पानी डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से गुठली खत्म होने तक मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर अच्छे से दूध में मिक्स हो चुका है। अब गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे जब तक दूध में उबाल नहीं आ जाता। दूध में उबाल आ चुका है, अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे ठंडा करने की एक ट्रिक ये भी है कि इसमें हम फ्रिज का आधा गिलास पानी डाल दें, तब भी हमारे दूध का टेम्परेचर कम हो जाएगा और हमारा छेना सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालेंगे क्योंकि अब हमें दूध को फाड़ना है। दो चम्मच विनेगर में मैंने चार चम्मच पानी डाल लिया था। देखिए अब हमारा दूध फटने लगा है। हमें एक साथ सारा विनेगर नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अब हम और विनेगर नहीं डालेंगे। अब हम छेना को पानी से अलग कर लेंगे। एक बोल लेंगे, उसके ऊपर एक छलनी रखेंगे और एक कॉटन का कपड़ा छलनी के ऊपर रख देंगे इस तरह से। अब चारों तरफ से कपड़े को इकट्ठा करेंगे और इस तरह दो तीन बार छेने को झटक देंगे। ये जो हमारा छेने में से पानी निकला है, इसका भी यूज हम कई जगह कर सकते हैं। इससे हम आटा भी गूंथ सकते हैं और दाल बनाने में भी काम ले सकते हैं। अब दो बार अपने छेने को हम ठंडे पानी से धुल लेंगे जिससे इसमें से विनेगर की खटास पूरी तरह से निकल जाए। और एक जगह इकट्ठा कर इसका पानी अच्छे से निकालेंगे। एक बार और धुलेंगे। वहां मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है जिसे एक बड़ी सी थाली में रख लिया है। उसके ऊपर ये हम अपना छेना रख देंगे इस तरह, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा पानी निकले वो थाली में चला जाए। और इसके ऊपर कोई हैवी चीज रख देंगे। यहाँ ये मैंने भगोना रख दिया है पानी से भरकर, जिससे हमारा अच्छी तरह से पनीर सेट हो जाए। अब इसे हम ऐसे ही एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। पनीर को रखे हुए एक घंटा हो चुका है। अब हम ऊपर से ये भगोना हटा देंगे। और ये अपना कपड़ा अलग करेंगे
देखिए हमारा कितना बढ़िया सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार हुआ है। और अपना पनीर प्लेट में रख लेंगे। हमने घर पर ही कितनी आसानी से बिल्कुल मार्केट के जैसा सॉफ्ट पनीर बनाकर तैयार कर लिया। अगर ये पनीर बनाने की तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और अपने प्यारे से कमेंट लिखकर मुझे जरूर बताएं कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्दी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।